नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः क्षणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, स्वकृत विचित्र योनि सुविसन्निवहेतुतया हरतमतश्च कास्य नलवत् स्वकृतानुकृत तथ वितथा स्वमो स्वविततं तव धाम समं विरज दियोन्वयन्त्यभिविपण्यवयेकरसम्। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वत वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, वाद प्रवदता माम वादे वादे जायते तत्वबोधः। परस्पर सद्भाव पूर्वक संवाद से सैद्धांतिक निष्पत्ति होती है, जिसका बहुत महत्व है। आज एक दूसरे में जो अनावश्यक दूरी बढ़ गई है, उसका कारण सद्भाव पूर्वक संवाद का आलंबन न लेना है। अतः इस प्रकार की संगोष्ठी के माध्यम से सद्भाव पूर्वक संवाद को हम महत्व देते हैं और तत्व की निष्पत्ति में इस प्रकार की संगोष्ठी का बहुत महत्व होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद की एक विचित्र शैली है, जिससे एक अद्भुत रहस्य ख्यापित होता है। महर्षिगण जिनकी वेदों में पूर्ण आस्था थी, संवेद हुए, सृष्टि के मूल पर विचार करना प्रारंभ किया। वहाँ ऐसा नहीं है कि एक ने प्रश्न किया, दूसरे ने उत्तर दिया। कोई आचार्य के पास शिष्य जिज्ञासा का समाधान करने के लिए पहुंचा हो, वहाँ की प्रक्रिया ऐसी नहीं। विचार करते करते सृष्टि के मूल का पता उन महर्षियों को प्राप्त हो गया। मूल को उन्होंने मूल के रूप में ही जान लिया। इस विधा से यह सिद्ध होता है कि मंथन के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा हमारे लिए ही जो दुर्लभ तथ्य है उसका ज्ञान हमको हो जाता है। हम लिखते हैं, लिखने के समय जितनी सामग्री लेकर तत्पर होते हैं, लिख लेने पर उसे कम से कम 90 गुना अधिक सामग्री प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि जन्म जन्मांतरों के संस्कार चित्त में सन्निहित हैं। आखिर मरुस्थल में भी
भूमि का खनन करते चलें कहीं ना कहीं तो जल प्राप्त होगा। ऐसे ही भगवान का स्मरण करके हम लिखना प्रारंभ करते हैं, लेकिन जितनी सामग्री या पूंजी लिखते समय मन में होती है, ग्रंथ लिखने पर उसे 90 गुना अधिक सामग्री प्राप्त हो जाती है। वो कहाँ से आई? एक तो भगवान में तादात्म्य आपत्ति से आई, दूसरी बात है कि मंथन करने पर हमारे लिए भी जो हमारे जीवन में अद्भुत ज्ञान विज्ञान तिरोहित हैं वह अभिव्यक्त हो जाते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया चलनी चाहिए। यहाँ कहा गया कि भगवान तो सम है, निर्दोष हैं, कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है, सदघन है, चिदघन है, आनंद घन है, लेकिन जब हम किसी चक्र विशेष का मूलाधार आदि का आलंबन लेकर उनका चिंतन करते हैं, तब मूलाधार आदि की आकृति प्रकृति का भी आरोप भगवत तत्व पर हो जाता है, क्योंकि व्यापक जो सच्चिदानंद हैं वे ही तो हमारे आपके जीवन में प्रत्येगात्मा होकर उल्लसित हैं। महाकाश ही तो ज्यों के त्यों घट के योग से घटाकाश होकर उल्लसित होता है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी ज्यों के त्यों अक्षत निर्विकार होकर ही परमात्मा हमारे आपके जीवन में प्रत्येगात्मा होकर विद्यमान है। परंतु हम चक्र विशेष का, देहगत स्थान विशेष का आलंबन लेकर और अंत में उस आलंबन के स्थान में मन की तादात्म्यापत्ति के द्वारा भगवान का चिंतन करते हैं, तो मन की आकृति प्रकृति का परमात्मा पर, जो कि प्रत्येगात्मा होकर जीवन में स्फुरित है, आरोप कुछ न कुछ हो जाता है। सकल आरोप्य पदार्थों से निर्मुक्त जो भगवत तत्व है उसकी उपासना करें तो कैसे करें? इस श्लोक के उपोद्घात में मान्य श्रीधर स्वामी आदि टीकाकारों ने यह भाव व्यक्त किया है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि श्रीधरी टीका हमारे मठ की देन है। श्रीधर स्वामी उड़ीसा के थे, बालेश्वर जिला के गोवर्धन मठ पूरी पीठ के मान्य शंकराचार्य सन्यासी थे। श्रीधर स्वामी की देन है श्रीधरी टीका श्रीमद्भागवत पर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त की है और जो भी टीकाकार बाद के हुए हैं सबने श्रीधर स्वामी का गुप्त या प्रकट आलंबन लिया ही है। या जो दुर्लभ ज्ञान विज्ञान विश्व को सुलभ है या गोवर्धन मठ पूरी पीठ की देन है, इसके मान्य आचार्य सन्यासी श्रीधर स्वामी थे, उन्होंने भी इसी प्रकार का उपोद्घात प्रस्तुत किया है। तो भगवान निर्दोष और सम है, तारतम्य विहीन है, तारतम्यतश्चक्राश्च नलवत् स्वकृतानुकृति। लेकिन होता क्या है, दारु या काष्ठ या ईंधन के योग से जब आग को हम व्यक्त करते हैं तो अग्नि का अपना एक स्वरूप है, स्वभाव है, प्रभाव है। अग्नि अपने आप में एक तत्व विशेष है, लेकिन दारुगत आकृति प्रकृति की अनुकृति अग्नि में हो जाती है। दारुगत आकृति प्रकृति की मानो आग अनुकृति करती है। इस अनुकृति लीला का रहस्य जानना चाहिए। उपाधिकृत प्रतीति स्वतः सिद्ध स्थिति दोनों का विवेक प्राप्त करना चाहिए।
उपाधिकृत प्रतीति अस्वतः तत्व की स्थिति, इन दोनों में विश्लेषण विवेक की आवश्यकता है। ब्रह्मसूत्र में एक न्याय है, तद्गुण सारत्व न्याय, तद्गुण सारत्व न्याय है। बुद्धि के गुण के अनुरूप हम आत्मा तो को जानते हैं, तो एक विचित्र बात है। जैसे भट्ट महोदय ने, श्री भट्ट महोदय ने जीव को लेकर भाव व्यक्त किया, तो हम जैसे एक व्यापारी होता है, इतनी पूंजी का सन्निवेश हुआ, इतना लाभ हुआ, तो पूरे व्यापार में कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, इसकी समीक्षा करता है व्यापारी। ठीक इसी प्रकार एकांत में बैठ जाना चाहिए, हम स्वयं को उपाधि के योग से कितने रूपों में उच्छलित करते हैं, उन सब का सर्वेक्षण करने पर अपने मौलिक स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। जैसे स्थूल शरीर को लेकर हम विचार करेंगे, स्थूल शरीर को लेकर भी अमर्थ की अभिव्यक्ति होती है, मैं मनुष्य हूँ। फिर वर्णगत आश्रमगत आरोप भी हो जाता है, ब्राह्मण हूँ, सन्यासी हूँ, क्षत्रिय हूँ। लिंगगत आरोप भी हो जाता है, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं हूँ, लेकिन बीच में उपाधिकृत मान्यता जुड़ जाती है। वाक मैंने यह कहा कि अपने स्वरूप का ही ज्ञान प्राप्त करना हो, प्रयोगशाला हमारे आपके जीवन में है, एकांत में बैठ जाए। तारतम्य घटित जो आत्मा की स्फूर्ति या अभिव्यक्ति है, उसे तारतम्य शून्य समझने का प्रयास करें। पिछले सत्र में भी हमारे माननीय श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाभाग ने एक भाव व्यक्त किया था, आज भी भाव व्यक्त किया। तारतम्य घटित जो अंधकार और प्रकाश है, उसका कहीं न कहीं विराम होना चाहिए, क्योंकि तारतम्य घटित वस्तु तत्व नहीं है। इसीलिए अध्यात्म रामायण में एक दृष्टांत दिया गया, दिन और रात्रि सापेक्ष तारतम्य घटित है, लेकिन सौर मंडल की दृष्टि से विचार करें तो वहां द्वंद्व कोटि प्रविष्ट दिन रात्रि की गति नहीं है, अखंड दिन है। इसी प्रकार से ज्ञान और अज्ञान तारतम्य घटित हैं। तारतम्य घटित का आश्रय मौलिक स्वरूप तारतम्य घटित नहीं हो सकता, ऐसा मानेंगे तो ज्ञान स्वरूप कोई तत्व ही सिद्ध नहीं होगा, फिर सत्य में भी तारतम्य हो जाएगा। तो तारतम्य घटित सत्य वास्तव सत्य नहीं होगा, वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, फिर आनंद में भी तारतम्य है, प्रियमोद प्रमोद को लेकर उसमें भी हमारे आपके जीवन में जो प्रियमोद प्रमोद है, और तैतृय उपनिषद का आलंबन लेंगे तो ब्रह्मा जी के जीवन में जो प्रियमोद प्रमोद है वो तो 1000 गुण अधिक है। मर्त्य लोक में सुलभ सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के अधिपति हैं, उनको निष्काम भाव से समनुष्ठित कर्मोपासना के फलस्वरूप व्यवहार दशा में प्रतिक्षण जितना आनंद मिलता है वह 1000 परार्ध गुण अधिक है। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखें तब जिस संख्या की सिद्धि होती है, वैदिक वाङ्मय के अनुसार उसको 1000 परार्ध कहते हैं। तो तारतम्य ही तत्व नहीं होता, तारतम्य का उद्भाषक अधिष्ठान तत्व होता है, ऐसा मानने पर तत्व हाथ लगेगा। इसीलिए यद अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम, तो तत्व की परिभाषा ही तब सिद्ध होगी जब हम तारतम्य से ऊपर उठेंगे। कोई स्वतः सत्य तो है ना,
जिस सत को लेकर तारतम्य की हमें प्रतीति होती है, कोई स्वतः तो चित है जिस चित को लेकर तारतम्य घटित ज्ञान की सिद्धि होती है, कोई स्वतः आनंद स्वरूप तत्व तो है जिसको लेकर तारतम्य घटित आनंद की अभिव्यक्ति होती। तारतम्यतश्चकासे न लभत स्वकृतानुकृति, यहाँ पर तारतम्य घटित जो वस्तु है वो तो प्रपंच है, तत्व उसको कहते हैं जो तारतम्य शून्य हो, तारतम्य भाव से रहित हो। पहली बात तो यह जानने की, तो हमने कहा कि जीव को लेकर ही स्थूल शरीर को लेकर जितने भाव की अभिव्यक्ति होती है, ना हो तो कागज पर ही लिख लें। हम लोगों ने 14-14 घंटे इन सब विषयों पर रोज जंगलों में विचार किया है, बुरा न माने, एक ही दिन में सारी चीज नहीं आती है। क्या श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में नवयोगीश्वर के बारे में क्या कहा गया? श्रमणा वात रसना, वात रसना माने दिगंबर थे नवयोगीश्वर, भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्रों में नवयोगीश्वर का वर्णन होता। जैसे राजा भरत नव भगवान ऋषभ के पुत्र, ऐसे नवयोगीश्वर भी भगवान ऋषभ के पुत्र। लेकिन श्रमणा, श्रम पूर्वक उन्होंने अध्यात्म विद्या को आत्मसात किया। जब दिगंबर सब प्रकार से शुद्ध नवयोगीश्वर को भी श्रम पूर्वक अध्यात्म विद्या की सम उपलब्धि हुई, तो हम लोगों को हंसी खेल में कैसे उपलब्धि हो जाएगी? श्रमणा वात रसना, तब शरीर को लेकर, स्थूल शरीर को लेकर अहमर्थ की जितनी अभिव्यक्ति होती है, एक डायरी में लिख लें एकांत में बैठकर, मैं गौर हूँ, श्याम हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ आदि। अब एक एक इंद्री को लेकर अहमर्थ की अभिव्यक्ति है, वाक इंद्री को लेकर वक्ता हूँ, श्रोत्रिंद्री को लेकर श्रोता हूँ, और नेत्र को लेकर दृष्टा हूँ, ऐसे ही पाँव को लेकर गनता हूँ, हाथ को लेकर दाता हूँ, इस प्रकार से त्वक को लेकर स्पष्टा हूँ, नाक को लेकर घ्राता हूँ, रसनेन्द्रिय को लेकर रसयता हूँ, ऐसे। अब चलें मन को लेकर, मनता हूँ, बोधता हूँ, स्मरता हूँ, मन बुद्धि चित्त को लेकर हो गया, मैं बहुत गर्वीला हूँ, गौरवान्वित हूँ, और तुम मुझे क्या समझते हो, मैं तो ऐसा हूँ, अहम को लेकर हो गया, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, आनंदमय कोष को लेकर, इसी प्रकार से प्राण को लेकर, मैं प्राणी हूँ। एक विचित्र बात है, प्राण को लेकर अहमर्थ की अभिव्यक्ति सीधे नहीं होती, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं प्राणी हूँ, इस प्रकार अहमर्थ की स्फूर्ति कहाँ हो रही है? ये अहम कैंसर है जिसको लेकर बार बार अभिव्यक्त होता है, उसको खोखला कर देता है। प्राण को लेकर मैं प्राणी हूँ, इस प्रकार की अहमिति की अभिव्यक्ति नहीं होती, तो प्राण का जीवन बहुत दीर्घ है। सुषुप्ति में एक दृष्टि से प्राणों का आभानात्मक वियोग है, सतह तो प्राण स्पंदन ना हो तो सुषुप्ति नहीं, मृत अवस्था की प्राप्ति हो जाए। तो हमने यह कहा कि अब मैं हूं के बीच में ये जितनी ध्वनियां निकली, अनलवत तारतम्य घटित जीव का अध्ययन कैसे करें, जगत का इस अध्ययन कैसे करें, फिर भगवान के अध्ययन की बात तो बाद की बात है। पहले तो जीव का, हम अपने आप का तारतम्य रहित तारतम्य की सूची बना लें, तारतम्य की सूची बना लें। थोड़ा बोलते समय हम वक्ता हो गए, तो देखते समय हम दृष्टा हुए, तो मर तो नहीं गए ना, वाक इंद्रिय का उपयोग करते समय ही वक्ता रहे, श्रोत्र इंद्रिय का उपयोग करते समय ही श्रोता रहे,
और नेत्र इंद्रिय का प्रयोग करते समय उपयोग करते समय दृष्टा रहे तो नाश तो नहीं हुआ ना। तो वाक इंद्रिय का, श्रोत्र इंद्रिय का, नेत्र इंद्रिय का योग न लें, आलंबन न लें, तब हम क्या रह गए? एक एक का, एक एक कोष का, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, इनके भी तारतम्य है। अन्नमय कोष में स्थूल शरीर को लेकर ब्राह्मण आदि आश्रमादि को लेकर तारतम्य है, नाटा गोरा काला स्थूल स्त्री पुरुष आदि को लेकर, फिर चीटी चिड़िया आदि को लेकर, फिर भिक्षादि को लेकर बहुत तारतम्य है। तो तारतम्य घटित जो हमारा स्वरूप है, सकल उपाधियों का आलंबन न लेने पर स्वतः वह तारतम्य शून्य अहम क्या सिद्ध होता है, बहुत ऊंची उपलब्धि होगी। बोलते समय वक्ता हो गए तो देखते समय दृष्टा हो गए, तो जो मैंने बोला वही मैंने देखा, तो अहमर्थ का लोप तो नहीं हुआ ना। इस दृष्टि से तारतम्य घटित अहम का अनुसंधान करना चाहिए। प्रयोगशाला की दृष्टि से आज मैं बोल रहा हूँ। तारतम्य घटित एक विचित्र बात है। अमुक है इदम, अमुक है गुलाब केवरा नर नारी, इदम के साथ जो हम जोड़ते हैं और अहम के साथ कुछ जोड़ते हैं, जैसे आग की अभिव्यक्ति, अग्नि की अभिव्यक्ति ईंधन के माध्यम से होती है, ऐसे इदम और अहम को हम किसी आहुति हवनीय द्रव्य के माध्यम से उज्जीवित करते हैं ना। अब अगर इदम में आहुति डालना, अनात्म वस्तु के अनुरूप इदम में आहुति डालना बंद कर दें और अहम में आहुति डालना बंद कर दें, तब इदम और अहम की विभाजक रेखा क्या रह जाएगी? इदम किसी का दृश्य रह जाएगा और अहम अहम के रूप में स्फुरित होगा और दोनों में भेद रह जाएगा। तो इदम और अहम का एकत्व हो गया या नहीं? यह सब तारतम्य घटित इदमर्थ का चिंतन, तारतम्य घटित अहमर्थ का चिंतन बहुत आवश्यक है। और एक विचित्र बात है, तारतम्य में हेतु कौन है? हेतु पर तो विचार करना चाहिए। पंचदशी का प्रथम प्रकरण लीजिए। भगवान तो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद सत हैं, चित हैं, आनंद हैं, ऐसा नहीं, इस पर भी विचार करना चाहिए। तत्व तो एक है और हम कम से कम तीन शब्दों के द्वारा उनको ख्यापित कर रहे हैं, सत चित आनंद। चौथा शब्द ले लें अनंत, सच्चिदानंद मात्रम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म। तो कम से कम चार शब्दों के द्वारा हमने ब्रह्म को इंगित किया, सत चित आनंद और अनंत, इसका अर्थ हुआ अनंत सच्चिदानंद, यही ना। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने यों किया, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म आनंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म अनंतम ब्रह्म। अपने आप में प्रत्येक लक्षण पूर्ण है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में सब का उल्लेख ही नहीं है तो क्या वो सब नहीं है? इस सूत संहिता में इस पर विचार किया गया। टीकाकार वहाँ भी माधवाचार्य विद्यारण स्वामी हैं। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में तो सत्यम का उल्लेख ही नहीं है, तो कहा गया कि यह जो जगत है यह अनित्य है, अनित्य का ही पर्याय असत भी हो जाता है। एक विचित्र बात है, असत सबसे डरना नहीं चाहिए। सच्चिदानंद में एक एक शब्द का विलोम ढूंढिए तो सीधे कौन से सब कौन सा शब्द प्राप्त होगा? सत के विलोम शब्द असत ही होगा ना। असत या अभाववाचक होगा या भाववाचक? असतो मां सदगमय में असत, असतो मां सदगमय में जो असत पद का प्रयोग किया गया, ना सतो विद्यते भावः में जो असत शब्द का प्रयोग किया गया, वह बंध्या पुत्र के लिए है या भाव पदार्थ के लिए है?
इसीलिए श्री रामानुजाचार्य महाभाग के सामने गीता का जब श्लोक आया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, तब बहुत ही उन्होंने धैर्य विवेक का परिचय दिया, समादर किया कि अप्राप्त का प्रतिषेध हो ही नहीं सकता है। अब असत शब्द का प्रयोग यहाँ बंध्या पुत्र आदि अलिक पदार्थों के लिए तो संभव ही नहीं है। असतो मां सदगमय, असतो मां सदगमय, ना सतो विद्यते भाव, तो उन्होंने हृदय को अत्यंत, क्योंकि मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा अद्भुत चित्त से तत्व विचार करना चाहिए। कुछ गुरुदेव ने हमसे कहा देखो सत्य का पक्ष लेना हो तो निष्ठुर बनो, अद्भुत चित्त से, क्या अद्भुत चित्त से सत्य का, न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शे न सह मनंती। गुलाब की महत्ता अपनी जगह, कमल की महत्ता अपनी जगह, सुंदर शरीर की महत्ता अपनी जगह, लेकिन पांच भौतिकता की महत्ता तो अपनी जगह, वहाँ पर जाकर अब आकृतियों का तो अपने स्थान पर महत्व है, गुलाब गुलाब ही है, गेंदा गेंदा ही है, चमेली चमेली है, ब्राह्मण ब्राह्मण ही है, क्षत्रिय क्षत्रिय ही है, स्त्री स्त्री ही है, पुरुष पुरुष ही है, गौरवर्ण का व्यक्ति गौरवर्ण ही है, लेकिन न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्श न सह मनंति। विचार कुशल जो मनीषी होते हैं उनको सूर्य कहते हैं, वो तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही विचार करते हैं। तो प्रश्न उठा कि व्यावर्त्य हमारे पास तीन है, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर सृष्टि जो है अनित्य तो है ही कार्य होने के कारण, अरे मनुष्य जो है घटपट मकान आदि बनाता है इनकी आयु बहुत कम है, भगवान पृथ्वी बनाते हैं, पानी जल बनाते हैं, तेज बनाते हैं, वायु बनाते हैं, आकाश बनाते हैं, इनकी आयु कोई दो चार वर्ष तो नहीं है, 31,10,40,00,000 है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की आयु गीता के 8वें अध्याय के अनुसार विचार करें तो ब्रह्मा जी की आयु से 100 वर्ष, मर्त लोग की आयु से 31,10,40,00,000 है, लेकिन अंत तो घटवा ब्रह्मा जी के सहित ब्रह्मांड का, इनके उपादान पंचभूतों का भी तो नाश होता है। न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सह मनन्ति, अपने स्थान पर ये सब घटक हैं, तारतम्य संवेत हैं, पृथ्वी और जल, पृथ्वी की सत्ता, जल की सत्ता, तेज की सत्ता, वायु की सत्ता, आकाश की सत्ता। बहुत अच्छा विनोद किया तात्विक पंचदशीकार विजारण स्वामी जी ने कि हमारी विचित्रता देखिए, धर्म को धर्मी, धर्मी को धर्म बनाकर हम प्रस्तुत करते हैं, सत्य का आकाश होगा या आकाश का सत्य होगा, आकाश से सत्ता व्योमना सत्ता, सत्य ऊपर बैठना चाहिए या आकाश, सत्य को ऊपर बैठाना चाहिए या आकाश को, लेकिन हम क्या कहते हैं आकाश की सत्ता। रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद, लेकिन हम कहते विवेकानंद के गुरु, विवेकानंद जी के नाम पर उनके गुरु का परिचय प्रचलित हो गया या नहीं, रामकृष्ण जी के नाम पर विवेकानंद जी का परिचय नहीं रह गया। कोई मंत्री हो जाती है देवी, एक थी तिवारी लखनऊ में, कभी शिक्षा मंत्री थी, वो आती थी तो कहती महाराज कुछ मिठाई दो भूखी हूँ, तो लोग कहते थे मालूम है तिवारी जी जब मंत्री थी तब इनके पति पुलिस विभाग में थे, ये जानबूझकर अपने अंगरक्षक के रूप में अपने पति की ड्यूटी लगवाती थी, ए तिवारी वहाँ खड़े रहो, हाँ क्या कहना, और तिवारी जहाँ यस सर या जो कुछ कहो मैडम या कुछ भी कहो, अब उनकी प्रसिद्धि यही थी। तो बड़ी विचित्र बात है, ये तिवारी इनके पति हैं, हो गया ना उल्टा। एक विचित्र बात है, पंचदशी कार्ड ने कहा कि भाई ठंडे मस्तिष्क के विचार करो, सत्य का आकाश है, सदैव सौम्यदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, सत्य का आकाश है या आकाश का सत्य है, या माया की चमत्कृति है ऊपर वाले को नीचे कर दे, नीचे वाले को ऊपर करके दिखा दे, तो है तो सत्य का आकाश ना, हम क्या कहते आकाश की सत्ता।
अब प्रश्न उठता है सत्ता में भी तारतम्य है, अभी व्यंजक संस्थान के योग से सत्ता में भी तारतम्य, जैसे अनलवत अग्नि की अभिव्यक्ति दारू से होती है, ईंधन के भेद से उसकी आकृति प्रकृति के अनुसार हमको चंदन, चंदन में आग लग जाए तब उससे सुगंध की दिव्य अभिव्यक्ति होगी। तो हमने कहा कि तारतम्य घटित अग्नि का अनुसंधान, तारतम्य घटित सत्ता का अनुसंधान। तो चूंकि यह जो जगत है अनित्य है, तो कहीं वह भी अनित्य तो नहीं है, तो अनित्य के मूल में अनित्य को स्वीकार करने पर कौन कौन से दोष होंगे? आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष, चक्रक दोष, अनवस्था दोष, चार चार दोष होंगे। उन दोषों से बचने के लिए क्या कहना पड़ेगा? अनित्य के मूल में अनित्य नहीं हो सकता, नित्य ही अनित्य को थाम सकता है, साध सकता है। यहाँ हमारे पास दृष्टांत भी है, ऊपर आकाश निश्चल है, उसकी अपेक्षा चंचल होने पर भी वायु तेज जल की अपेक्षा स्थिर पृथ्वी है, अचला। नीचे पृथ्वी ना हो, ऊपर आकाश ना हो, तो चंचल जो बीच के तीन तत्व हैं उनकी क्या गति हो? नीचे थामे हुए साधे हुए पृथ्वी, ऊपर परम अचंचल स्थिर आकाश, बीच में गतिशील जो जल तेज और वायु है। इसका मतलब क्या हुआ? तारतम्य घटित, तो चूंकि यह सृष्टि हमको अनित्य होकर दृश्य होने के कारण, जड़ होकर अयोगास्पद वियोगास्पद संयोगास्पद होने के कारण, जगत अयोगास्पद संयोगास्पद वियोगास्पद है, शरीर आदि भी अयोगास्पद संयोगास्पद वियोगास्पद हैं, इसीलिए अंत में दुखप्रद हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इन तीनों का व्यावर्तन करने के लिए तीन शब्दों का उपयोग किया गया, सत चित आनंद, सत चित आनंद। और ये सब परिच्छिन्न है, काल के द्वारा कवलित, देश के द्वारा कवलित, और अंत में वस्तुअंतर वस्तु परिच्छेद से युक्त भी हैं, इसीलिए उसे अनंत कहना पड़ा। तो व्यावर्तक शब्द चार हो गए, सत चित आनंद और अनंत। अनंत सच्चिदानंद कहने पर भी तत्व तो एक ही है ना, जो सत के द्वारा वेद्य है वही चित पद के द्वारा वेद्य है, वही आनंद पद के द्वारा वेद्य है, वही अनंत पद के द्वारा वेद्य है। तो तारतम्य घटित तत्व होता है, इस श्लोक के माध्यम से यह सिद्ध किया गया। अब एक विचित्र बात है, कल हमारे श्री भट्ट जी ने कहा था, आज भी इन्होंने कुछ संकेत किया, तो हम एक संकेत करते हैं। सुषुप्ति को लेकर जो मान्य श्री वैष्णवाचार्यों ने अध्ययन किया है, हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के 39वें श्लोक के आधार पर सुषुप्ति के अध्ययन को कसने की आवश्यकता है। सन्ने यदिन्द्रिय गणे हमिचक प्रसुप्ते कूटस्थ आशय मृते तदनुस्मृतिर्नः, अहमिचक प्रसुप्ते, सुषुप्ति के टूटने पर स्मृति की विधा क्या है? श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद अध्याय 3 श्लोक 49 और छांदोग्य उपनिषद में नाहम खलवयम भगवा ये एवं संप्रत्यात्मानं जानामि अयम अहम अस्मीति, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में कहा गया। हमने ये संकेत किया, सुसुप्ति में अहमि च प्रसुप्ते, अहम के सो जाने पर जो शेष रहता है, सुसुप्ति का साक्षी बन के रहता है, सुसुप्ति के टूट जाने पर अहम को लेकर स्मृति प्राप्त होती है, या उस आत्मा को लेकर स्मृति प्राप्त होती है? आत्मा को लेकर। अहमि च प्रसुप्ते, अहम तो प्रसुप्त हो गया, सुप्त भी नहीं, प्रसुप्त हो गया, इसीलिए कहा तदनुस्मृति न। जो सुसुप्ति में अहम के प्रसुप्त हो जाने पर
समग्र सुषुप्ति का साक्षी होता है, दृष्टा होता है, उसी को लेकर अहमर्थ पूर्वक जागर दशा में स्मृति होती है। एतावता सुषुप्ति में जो प्रसुप्त अहम है उसकी आत्मरूपता सिद्ध नहीं होती, वो तो करण कोटि का पदार्थ है। इसलिए अहमिचा प्रसुप्ते पर ध्यान देना चाहिए, यदनुस्मृति न। हमें जो सुषुप्ति की स्मृति प्राप्त होती है तो अनुभव करने वाला कौन था उस समय? आत्मा। अनुभविता के रूप में कौन था? आत्मतत्व। तो जो अनुभविता था वही स्मरता। अंतर इतना है, बीजात्मक अंतःकरण के माध्यम से सुषुप्ति में सुषुप्ति के अनुभव का संस्कार पड़ा। संस्कार किस में पड़ेगा? आत्मा में तो नहीं पड़ेगा। तो घनीभूत, जिसको कहते घनीभूता प्रज्ञा, घनीभूत जो अंतःकरण था उसमें सुषुप्ति के अनुभव का संस्कार पड़ता है। और जब वो द्रवावस्थापन्न हो जाता अंतःकरण, जिसके योग से हमको बहिष्प्रज्ञ कहा जाता है, स्मरता वास्तव में आत्मा है, वह आत्मा अहमर्थ से भिन्न है। क्योंकि अहमिचा प्रसुप्ते, अहम के सो जाने पर तो अहम साक्षी सुषुप्ति का हो ही नहीं सकता। अहम निरपेक्ष, अहम की सुप्तावस्था का भी जो साक्षी है उसको तो हम अहम नहीं कह सकते। तो हमने यह कहा कि विभाजक पर ध्यान दें। तीन तत्व हमारे सामने हैं, जीव जगत और जगदीश्वर। मूल में एक ही तत्व है, सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद छोड़ दें, ब्रह्म शब्द तो तीन हो गए ना, सच्चिदानंद। तीनों शब्दों ने लक्षित किसको किया? ब्रह्म को। मूल तत्व ब्रह्म है और व्यवहार दशा में तीन रूपों में उपलब्ध है वह, जगत के रूप में, जीव के रूप में, जगदीश्वर के रूप में। अब कहें कि उस ब्रह्म में और ईश्वर में भेद तो श्री वैष्णवों को नहीं मान्य है, तो कहते हमें कहाँ भेद मान्य। जन्माद्यता तटस्थ लक्षण जब करेंगे तो ब्रह्म की ख्याति ईश्वर के रूप में होगी या नहीं? लेकिन श्री वसुदेव जी ने क्या कहा? वह ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। दो प्रकार की स्तुतियां हैं, एक तो आपको अनीह चेष्टा रहित कर्तृत्वादी से विनिर्मुक्त कहती हैं, दूसरी ऐसी स्तुतियां हैं जो आपसे ही यतो वायुमानी भूतानी जायन्ते, सृष्टि की प्रवृत्ति स्थिति सृष्टि की समृद्धि मानती हैं। वसुदेव जी ने कहा दोनों प्रकार की स्तुतियों को लेकर मेरे चित्त में कोई संशय या विपर्यय नहीं है। तो ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, गीता प्रेस से जो अर्थ प्रकाशित हुआ है इस श्लोक का, वो श्रीधरी के अनुसार नहीं। श्रीधरी के अनुसार अर्थ करेंगे तो ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, ईश्वर जो रूप आपका है अचिंत्य माया शक्ति लीला शक्ति से संपन्न ब्रह्म का नाम ईश्वर होता है, वही तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म होता है, उसको लेकर आप में उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह इन पंच कृत्यों की सिद्धि होती है। पंचदेव पंचकृत्य के निर्वाहक, पंचदेव के रूप में आपकी सिद्धि होती है, पंचकृत्य के निर्वाहक आप ईश्वर रूप से होते हैं। स्वरूप लक्षण लक्षित जो आप हैं वहाँ पर उत्पत्ति स्थिति समृद्धि तिरोधान या निग्रह अनुग्रह कोई कृत्य नहीं है। तो कृत्य शून्य भी आप हैं और कृत्य के निर्वाहक भी आप हैं। इसलिए भागवत ने भी त्वई ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, ईश्वर और ब्रह्म में तो पार्थक्य माना ना विवक्षावसात। ऐसा तो नहीं कि श्रीमद् भागवत वैष्णव प्रस्थान ना हो, तो वहीं पर ईश्वर और ब्रह्म में पार्थक्य माना गया। इसका अर्थ क्या हुआ? एक ईश्वर और जीव को ढूंढने की क्या आवश्यकता? हम आप स्वयं जीव हैं। जीव को भी कहीं ढूंढने की जरूरत है क्या? अरे हम आप कौन है? जीव ही तो है और जगत है ही। तब एक को तीन के रूप में और परस्पर विलक्षण है, जीव जीव ही है, ईश्वर ईश्वर ही है और जगत जगत ही है, परस्पर विलक्षणता भी है। तो एक को तीन के रूप में व्यक्त करने वाली कौन है?
उस चीज का अपलाप करके निरसन करके उसको हटा सकते हम नहीं सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। कोई कहे कि यह जो तांबे का पात्र है तांबे को हटा लो तब देखो क्या बचता है, क्या लाठी गोली क्या करेंगे, डंडे का हथौड़े का उपयोग, अरे सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। अच्छा हमको कोई कहे पृथ्वी हटा कर देखो पृथ्वी की सत्ता क्या बचती है, सत बचता है या नहीं, तो पृथ्वी को तोड़ने फोड़ने क्षमता हमको है, सूक्ष्म बुद्धि का खेल है सब। ये बहुत अच्छा, कोयल घाटी में पूज्य गुरुदेव हमारे रहते थे ऋषिकेश में, धारी के संत सब आते थे वेदांत सुनने। एक दिन दो सामले लगता था नर नारायण बहुत भव्य जटा जूट संपन्न भी श्रोता बन के आ गए, पूज्य गुरुदेव अपनी स्मृति बताते ही नहीं थे, यहाँ तक लोग थक गए कि आपके इष्ट देव कौन है, महाराज ने कहा ये भी कोई बताने की चीज। लोगों ने समझा वैश्य लोग बड़े चतुर होते हैं, ये हनुमान धर्म का हिस्सा, बहुत चतुर होते वैश्य, जो बाबा वैश्यों के पीछे पड़ जाते वैश्य कुल में कोई बाबा हूँ उनकी बात छोड़ दीजिए जो बाबा वैश्यों के चक्कर में पड़ जाते वो बाबा नहीं रह जाते। हाँ एक विचित्र बात है, बहुत से बाबाओं को व्यापारी बना दिया वैश्यों ने, उनका तो स्वभाव सिद्ध धर्म है, लेकिन बाबा जब व्यापारी बन जाएगा तो नरक में जाएगा। तो वैश्यों की नीति बड़ी चतुर होती, हमसे कहा धामका जी ने एकांत में पूछिएगा महाराज से उनके इष्ट देव कौन है, हमने कहा मुझको यह तो उत्पटांग प्रश्न लगता है, उनके इष्ट वो कहाँ हैं, क्या वो कहाँ हैं, उनमें उनके देव में इष्ट देव में क्या भेद है, हमको क्या डांट पर करवाना चाहते हो, हम हमारी दृष्टि में यह प्रश्न करना नहीं चाहिए। अरे डांट पड़ेगी तो आपको पड़ेगी ना, उत्तर दे देंगे महाराज आप बड़े लाडले प्यारे हैं। तो ठीक है हमने समझ लिया, हमने कहा महाराज मेरा प्रश्न नहीं है लेकिन हनुमान धानुका का प्रश्न है, उसे डांट न पड़े इसलिए मुझे आगे कर दिया है। हाँ हाँ बोलो बोलो। तो हमने कहा भाई दान हो तो, हाँ हाँ पूछा हनुमान धानुका ने कि आपके इष्ट कौन है। अच्छा तुम भी ये पूछते हो, मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ। कहा सुनो तत्व की बात तो तुम समझते हो, व्यवहार की बात सुनो, एक पत्नी एकांत में कोई चर्चा करे उसे समाचार पत्र में देता है, इष्ट भी कोई बताने योग्य चीज है, सबसे अंतरंग। देखिए बिल्कुल भाव विह्वल हो गए महाराज, ऐसा प्रश्न क्या। उन्होंने कहा तत्व दृष्टि से तो तुम समझते हो इष्ट, और व्यवहार की दृष्टि से ही पूछो, तो एकांत में कोई पत्नी पति संभाषण करें और झिझोरा पीटे की बातचीत हुई, अरे इष्ट भी कोई बताने योग्य है इसलिए मौन रहना चाहिए। फिर संकेत किया तो राम राज्य में जो शब्द लगा है वही समझ लो, राम राम जी रामराज परिषद का गठन किया ना, तो हमने क्या संकेत किया, तो एक और ईश्वर एक और जीव और एक और जगत, तीन को एक को तीन के रूप में जिसने व्यक्त किया उसी का नाम क्या है, माया, उसी का नाम अचिंत शक्ति है। और कल का प्रवचन परसों का प्रवचन ले लीजिए, उसमें उस शक्ति होने के कारण उसमें वह चमत्कृति है कि अपनी विद्यमानता से और अपने तीनों रूपों को व्यक्त करने की क्षमता को लेकर विचार करें तो द्वैत का आधान भी नहीं करती। तो एक ही ब्रह्म, क्योंकि हम तो जगत को यहाँ दिया है ना हेतु शब्द का, हेतुतया भगवान ही हेतु है, हेतु का अर्थ सिद्धार्थ स्वामी ने क्या किया, उपादान कारण, हेतु का अर्थ उपादान कारण। अजा कालश्च हेतुश्च श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध, भगवान के लिए कहा गया कालश्च हेतुश्च, आप काल हैं और हेतु हैं। भट्ट जी सुनिए एकादश स्कंध में श्रीधर स्वामी ने कैसा मार्मिक अर्थ किया, भगवान ने कहा कालश्च हेतुश्च, मैं काल भी हूँ और हेतु भी हूँ। तो श्रीधर स्वामी ने कहा कलयति प्रकाशयति, निमित्त कारण का नाम यह काल है और हेतु मानुपादान कारण, यहाँ हेतुतया हेतु का अर्थ यहाँ उपादान कारण। तो भगवान तो जगत के उपादान कारण है, तो जीव की भी अभिव्यक्ति भगवान
ब्रह्म ही तो जीव के रूप में व्यक्त है, जगत के रूप में व्यक्त है और जगदीश्वर के रूप में भी व्यक्त है। एक को तीन के रूप में व्यक्त करने वाली कौन है? माया शक्ति। पंचदशी की प्रक्रिया लें तो विशुद्ध सत्व के योग से, विशुद्ध सत्व के योग से, विशुद्ध सत्व धाम का अर्थ क्या किया श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध में? धाम माने विशुद्ध सत्व, भगवान का धाम माने स्वप्रकाश परम तत्व, धाम का अर्थ। वसुदेव का अर्थ क्या किया? सत्वम सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम, वसुदेव के नंदन वासुदेव। तो वसुदेव का अर्थ क्या किया? अभिव्यंजक संस्थान सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम, श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में। अब पंचदशी की प्रक्रिया, वेदांत की प्रक्रिया लें तो विशुद्ध सत्व के द्वार से भगवान जगदीश्वर के रूप में, मलिन सत्व के द्वार से भगवान जीव के रूप में, तमा प्रधाना प्रकृति के द्वार से भगवान सूक्ष्म और स्थूल प्रपंच के रूप में। इसका मतलब क्या है? ये तो सब त्रिगुणमयी प्रकृति के विभाग हुए ना। मूलतः अगर त्रिगुणमयी प्रकृति का सूक्ष्म बुद्धि से अपनोदन करके देखें तो जो जीव का मौलिक स्वरूप है वही जगत का मौलिक स्वरूप है, वही जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप है। वहाँ त्रिभेद तीन की गति ही नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही है। तो तारतम्य घटित भगवान का स्वरूप हो गया यानी निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिताः। बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि समय 6-7 मिनट है, एक चीज लोग कहते हैं अभी कल भी आज भी अज्ञान की बहुत चर्चा चली, अज्ञान भाव पदार्थ है या अभाव? वेदांतियों के भाव पदार्थ, नैयायिकों वैशेषिकों के यहाँ ज्ञान भाव का नाम हो जाएगा अज्ञान, लेकिन वेदांतियों के यहाँ अज्ञान भाव पदार्थ नहीं है। और गीता ये भागवत के एकादश स्कंद में दसवां स्कंद में अविद्या काम कर्म तीनों शब्दों का प्रयोग है या नहीं? अविद्या काम कर्म तीनों से जो युक्त हो उसी का नाम जीव है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत बढ़िया अर्थ बताया हमको, अज्ञाने नागृतम ज्ञानम तेन मोहयंती जनतव। पूज्य गुरुदेव ने कहा देखो अज्ञान यदि वेदांत प्रस्थान में अभाव पदार्थ होता तो आवारक या आच्छादक कैसे होता? घटा भाव से घट आच्छादित हो सकता क्या? अज्ञाना भाव रूप, ज्ञाना भाव रूप अज्ञान से ज्ञान आच्छादित कैसे होगा? घटा भाव से घट आच्छादित कैसे होगा? आच्छादक तो भाव पदार्थ होता है। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम या जो गीता का अंश है, एक हमारा गीता पर ग्रंथ है, भगवान ने किस दर्शन का प्रयोग कहाँ किया है, किस दर्शन का निषेध किन शब्दों के द्वारा कहाँ किया है, उस पर एक ग्रंथ भी है। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम में यहाँ तो अज्ञान भी भाव पदार्थ है यानी भगवान। अच्छा, अज्ञान का अर्थ क्या होता है? कहीं जाकर ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। स्वप्रकाश भगवान के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है ना, तो विशुद्ध सत्व तो ज्ञान है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, संजायते का अर्थ है सत्वगुण के द्वारा ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व की स्वरूपभूत ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन थोड़ा विचार करें, बहुत सूक्ष्म विषय है, स्वप्रकाश दो चार पदार्थ तो नहीं हो सकते? नहीं सत्य से नानात्वम श्रीमद् भागवत, नहीं सत्य से नानात्वम, सत्य भी हो नाना भी हो संभव नहीं, सत्य तो एक ही होता है। बहुत अच्छी बात है, जब सत्य एक होता है तो प्रश्न उठता है स्वप्रकाश भी एक ही होगा, 10-20 कैसे होगा? तो स्वप्रकाश की अपेक्षा जिसको हम प्रकाश रूप समझते हैं वो भी अज्ञान होगा या नहीं? इसलिए जिसको विशुद्ध सत्वम कहते हैं, विवक्षा वसात कहीं जाकर उसका भी नाम अज्ञान है, क्योंकि वह स्वप्रकाश नहीं है। जासु सत्यताते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया,
वो जो माया है वो स्वतः सत स्वतः चित स्वतः आनंद रूप नहीं है। भगवान की सत्ता भगवान की चित्ता भगवान की प्रियता के कारण सच्चिदानंद सरीखी परिलक्षित होती है, लेकिन तत्व मीमांसा के समय स्वप्रकाश तत्व जैसे सत्य में भेद नहीं होता वैसे ही चिद्रूपता में भेद नहीं होता। मैंने एक जो वाक्य कहा था बहुत सावधान होकर सुनने योग्य है, सत्य का विलोम सटीक शब्द कौन होगा? असत्य, चित्त का अचित और आनंद का दुख। असत जब कहा सत्य के ठीक विपरीत असत जब कहा तो असत शब्द अनित्य का वाचक होगा या नहीं? जब जड़ सच्चिदानंद का ठीक विपरीत क्या होगा? असच्चिदानंद। तो जगत के लिए असच्चिदानंद कहना गाली है क्या? भगवान जब सच्चिदानंद हैं तो भगवान तो अंत में शिष्यते शिष्य संज्ञा है, महाप्रलय में जो रह जाए। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने भी सुबालोपनिषद का आलम्बन लेकर एक विचित्र तथ्य स्थापित किया जिसमें साक्षात या परंपरा से अन्यों का लय हो, जिसका लय स्थान कोई और ना हो, उसी का नाम तो भगवान है ना। शून्य में तो अन्यों का लय हो नहीं सकता। तो प्राकृत प्रपंच सहित प्रकृति का लय जिसमें होता है, मायिक प्रपंच सहित माया का लय जिसमें होता है, उसका नाम भगवान। भगवान का लय किसमें होगा? भगवान का लय किसी में नहीं होता है। इसका मतलब यही हो गया है ना कि अंत में सत से विलक्षण होने के कारण जगत भी असत पद वाच्य है। उसको असत की सहिष्णुता जिनके जीवन में नहीं है उनके लिए कहा जाता है अनित्य कह दो। आगमा पाइनो नित्याह, अनित्य जो कहते हैं उसी का नाम असत भी हो जाता है। अब असत के दो भेद हो जाते हैं, बंध्या पुत्र आदि अलीक पदार्थ और एक भाव पदार्थ है, लेकिन कूटस्थ सत्य नहीं है। कूटस्थ सत्य नहीं है उसका नाम हो गया जैसे मृदघट भी सत्य मिट्टी भी सत्य, मिट्टी भी सत्य मिट्टी से बना हुआ घट भी सत्य, दोनों में ठोस सत्य कौन है? मृत्यु कहते हैं वो सत्यम। मिट्टी और पृथ्वी में क्या अंतर है? एक दो किलो मिट्टी पृथ्वी का नाम मिट्टी है, समष्टि मिट्टी का नाम पृथ्वी है। अब पृथ्वी भी सत्य और जल भी सत्य, पृथ्वी की अपेक्षा से निकट निर्विशेष होने के कारण जल सत्य। अब जल भी सत्य और तेज भी सत्य, तो जल की अपेक्षा से निकट निर्विशेष होने के कारण तेज सत्य। तारतम्य को हटा रहे, अच्छा तेज भी सत्य और वायु भी सत्य, तो तेज की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष होने के कारण, सन्निकट निर्विशेष माने सन्निकट निर्गुण होने के कारण वायु सत्य है। तो वायु भी सत्य और आकाश भी सत्य है, तो वायु की अपेक्षा सन्निकट निर्गुण या निर्विशेष होने के कारण आकाश सत्य है। अब अगर तस्माद वायु तस्माद की दृष्टि से विचार करें तो आकाश भी सत्य और अव्यक्त प्रकृति भी सत्य। तो आकाश की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष बीजावस्था होने के कारण अव्यक्त सत्य है। वाका अव्यक्त भी सत्य, ब्रह्म भी सत्य, आत्मा भी सत्य, तो वो निर्वीज है। जैसे एक बीज है, बीज में अंकुरोत्पादनी शक्ति भुन जाए या घुन खा जाए, उसको अंकुरोत्पादनी शक्ति न रह जाए, तब बीज मिट्टी है या नहीं? इसी प्रकार से निर्बीज माया का नाम ब्रह्म है, निर्बीज माया का नाम ब्रह्म हो जाता है। निर्बीज गेहूं चने इत्यादि का नाम तो मिट्टी है ना अंत में, माने संस्कार। जगत के उत्पन्न करने वाले क्षमता या जगत को उत्पन्न करने वाला जो संस्कार, उससे विहीन जो माया है उसी का नाम ब्रह्म हो जाता है। तो यह भी संकेत किया गया। अब एक विचित्र बात कहकर भयं द्वितीया भिनिवेशतस्यात् जो कहा बृहदारण्यक उपनिषद में, अभिनिवेशतः नहीं है, द्वितीया द्वई भयं भवति यही है, उसकी व्याख्या मनोरम कर दी गई है श्रीमद् भागवत, नहीं तो बृहदारण्यक को समझना बड़ा कठिन। द्वितीयाद वै भयं भवति, वै निस्संदेह
दूसरे से भय होता है, राग का विषय भी दूसरा होता है, भय का विषय भी दूसरा ही होता है, द्वेष का विषय भी दूसरा ही होता है। तो द्वै द्वितीया द्वै भयम भवति, इस श्रुति की व्याख्या है भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्। सुषुप्ति में द्वैत का बीज तो रहता है लेकिन द्वैत का अभिनिवेश नहीं रहता, इसलिए भय नहीं प्राप्त होता। क्या सुषुप्ति में द्वैत का बीज तो रहता है क्योंकि सुख भी अनुभाव्य होकर वहां रहता है। सुषुप्ति में सुख और अज्ञान, ये दो तो कम से कम अहंग, ये बहुत ऊंची बात है। एकांत में एक घंटा दो घंटा बैठ के अभ्यास करना चाहिए। अहम सो गया अनुभव बना रहा, इस अनुभूति का अनुभव कीजिए। क्या अनुभूति की वह प्रक्रिया जब अनुभविता के रूप में अहम न रह जाए। हमारा जितना भी अनुभव है वो तो गाड़ी दिन में जाके मिट्टी में मिल जाता, अहंग्रह पूर्वक सुषुप्ति में अनुभव हो ही नहीं सकता है, तब तो फिर सुषुप्ति ही नहीं सिद्ध होगी। मैं सुखी मैं दुखी ऐसे कुछ नहीं, मैं अज्ञ ऐसा नहीं, मैं सुखी और मैं अज्ञ, कम से कम दो अनुभव तो होना चाहिए ना। अगर सुषुप्ति में हम शेष रहे तो सुषुप्ति के जो विषय हैं, सुषुप्ति में जो विषय हैं अज्ञान और सुख, तो अहम अज्ञ अहम अज्ञ अहम सुखी, इस प्रकार का भान तो होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। तो एक विचित्र बात है, अनुभव की वह भूमिका अहमर्थ से वह अतीत भूमिका में अनुभव का स्वरूप क्या होगा। अनुभव अनुभाव्य कौन होगा वहां पर, सुख और अज्ञान। सुख और अज्ञान की अनुभूति तो है सुषुप्ति में, तभी जागर दशा में स्मृति होती है। अहम से अतीत भूमि में अनुभूति का प्रकार कितना सूक्ष्म होगा। ठीक है, अब एक विचित्र बात है, अज्ञान न रह जाए और सुख भोग्य न रह जाए, इतना शोधन अगर कोई सुषुप्ति का कर ले तो उसी का नाम स्वरूप स्थिति है। यानी अज्ञान न रह जाए और सुख भोग्य न हो, स्वप्रकाश हो जाए। सुख तब तक भोग्य होता है जब तक वह भाष्य होता है। सुख की स्वप्रकाशता आ जाए, जैसे ज्ञाता से पराक जो ज्ञान है वो ज्ञाता की सीमा का पार करके ऊपर उठ जाए, इसी प्रकार से सुखानुभूति जो सुषुप्ति में होती है वो सुख स्वप्रकाश होकर रह जाए, तब तो सुखमस्य आत्मनोरूपम, आत्मा का स्वरूप हुआ। भोग्य होने के कारण फिर क्या हुआ, एक बहुत विचित्र बात है। समय हो गया, पूज्य गुरुदेव ने एकांत में कहा मुझको, सुनो, ऐसा कहा 108 तो कम से कम, बस वो महाराज तखत पर बैठे होते थे, मैं जमीन पर जैसे आप लोग, वो बाट जो होते थे कभी एकांत में मिल जाए कहीं किसी न किसी व्यास से, उस समय गुप्त से गुप्त, सुप्त से सुप्त, लुप्त से लुप्त ज्ञान विज्ञान बताते थे, इतना स्नेह इतना स्नेह इतना अपार। उन्होंने कहा सुनो, सुख और आत्मा का लक्षण एक है, अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं अपितु अपने लिए होती है, और सुख में प्रीति अन्यों के लिए नहीं अपितु सुख के लिए होती है। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य, सुख और आत्मा का लक्षण एक हुआ या नहीं। फिर उन्होंने कहा सावधान, किस सुख में आत्मा का लक्षण जाता है। अगर जागर स्वप्न मनोराज्य स्मृति दशा में प्राप्त प्रिय मोद प्रमोद में सुख का लक्षण जाए, कौन सा सुख, आत्मा स्वरूप सुख का, तो इनको विस्मरण की, इनके त्यागने की, इनसे उपरामता की भावना न जगे। अब सुषुप्ति में जो हमको सुख मिलता है वही अगर परमार्थ सत्य हो तो हम लोग जीव कितने हैं, सत्य सहिष्णुता हमारे जीवन में कितनी है, उसका उपयोग नहीं हम करते। रोज संकल्प करें या न करें, अंतर्निहित संकल्प होता है ऐसा न हो जाए कि सदा के लिए मैं सोया ही रह जाऊं। सुसुप्त सुख का भी अगर हम पक्षधर होते तो मनोगर्भित मन में सन्निहित या संकल्प कैसे होता, ऐसा न हो जाए सोते ही रह जाए। अर्थात सुसुप्ति से भी व्युत्थान की भावना मन में सन्निहित रहती है, इससे सिद्ध हुआ
सौसुप्त आनंद भी हमारा स्थिर और चिर प्रेमास्पद नहीं है, अब रहा भी न जाए सा भी न जाए, वो स्वप्रकाश हो जाए तो भोग नहीं हो सकता। मनोरम शास्त्रार्थ है पंचदशी के अंतिम पांच प्रकरण में सांख्यो ने को पंचदशीकार विद्यारण स्वामी ने पूछ दिया, स्वयं ही सांख्यों का पक्ष प्रस्तुत किया। अंतिम वो जो सातवें से लेकर पंद्रहवें तक के प्रकरण हैं वह उनके गुरु जी के लिखे हुए हैं रामकृष्ण जी का क्रमशः मुझे मालूम, और छठे प्रकरण तक विद्यारण स्वामी जी के स्वयं लिखे हुए। तो बहुत अच्छा पंचदशी में प्रश्न किया गया, अरे सांख्यवादियों जब आत्मा को सच्चित मानते ही हो तो आनंद क्यों नहीं मानते, क्योंकि योगियों का जो आत्म तत्व है वो सच्चित आनंद है, सांख्यों का जो आत्म तत्व है सच्चित तो है आनंद नहीं है। तो सांख्यों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, अभी आपने कहा ना मिश्री होकर रहना पसंद करोगे या मिश्री के चखिया, श्री वल्लभ संप्रदाय में क्या बोलते चखिया। एक बार हम ग्वालियर में थे, चिन्मयानंद जी महाराज हम एक ही कमरे में थे, और पेठा या कुछ मिठाई जितना बांटते बना, हमारा तो ध्यान रहता रात के लिए कुछ बच ना जाए, हमारा स्वभाव है बांटते चलो बांटते चलो। कल कुछ फल इसलिए बचा के रखा गया कि आज एकादशी थी, तो बांटते बांटते भी कुछ रह गया। अब जब नींद टूटी तो एक चूहिया पेट फूले हुए मरी हुई दिखी, चिन्मयानंद जी महाराज ने कहा मरी तो क्यों मरी, हमने कहा पाचन शक्ति से ज्यादा इसने पेठा चट कर लिया। अब बड़ी विचित्र बात है, मिश्री अगर हो जाए तो मिश्री का आस्वादन नहीं ले सकते, और मिश्री का भोक्ता बनेंगे तो चूहा कांड हुए बिना नहीं रह सकता। क्या मिश्री का आस्वादन करेंगे चूहा कांड हुए बिना नहीं रह सकता, अब योग होगा। तो पंचदशीकार विद्यारण पंचदशीकार ने कहा आप आनंद क्यों नहीं मानते, सांख्यवादियों ने कहा बड़ी विचित्र बात है, आनंद आत्मा को मान लूंगा तो स्वयं ही भोक्ता स्वयं ही भोग्य, तो संभव नहीं आनंद हमारा भोग्य नहीं होगा, आनंद भोग्य नहीं होगा तो आनंद की पिपासा या प्यास दूर नहीं होगी, है या नहीं। अरे भाई यमुना जी बहती हैं गंगा जी बहती हैं, उनकी तप्त बालुका में जितनी पाचन शक्ति है पानी को पचाने की, उतनी पाचन शक्ति की क्षमता में उतना पानी उनको पीने दे ना पानी, उसके बाद तो दो फीट चार फीट ऊपर होकर आगे बह सकता है जल, जल की धारा जब तक उसकी प्यास को, हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी रहे थोड़ी देर तक, अंत में क्या करते हैं मिसली में घुलन शक्ति पानी में घुलन शक्ति और बढ़ा देते, लेकिन जितनी संतप्त बालुका होगी उसकी पिपासा को पूर्ण रूप से तृप्त किए बिना जलधारा आगे कैसे जाएगी, नहीं तो जल और तो पिपासा युक्त जो बालुका है सोख लेगी। तो पंचदशी कार ने कहा अच्छा सुख भी भोग्य भी रह जाए सुख भी रह जाए ये तुम्हारी बुद्धि काम करती है, बड़ी विचित्र बात है, सुख की सुख भोग्य ना हो तो सुख की प्यास ना बीते, सुख भोग्य हो जाए तो सुख होकर रह जाए, अयोग के गर्भ से टपके अब योग रूप गर्त में समा जाए तब तो फिर जो मैं जानती प्रीत किए दुख होई नगर ढूढोरा प्रीति प्रीति करे जन कोई, रोना गाना सिसकना आहो की जागीर, प्रेम के मार्ग में रोना गाना सिसकना आहो की जागीर। तो बड़ी विचित्र गाथा हो गई, अगर सुख भोग्य हो गया तो उसके गर्भ से दुख निकलेगा, कभी अयोग कभी संयोग वियोग और तारतम्य घटित होगा हुआ, और सुख अगर भोग्य न हुआ तो सुख की पिपासा नहीं मिटेगी। इसका समझौता क्या है, सुख रूप जब तक हम स्वयं ही नहीं होंगे तब तक सुख का आत्मा का लक्षण एक नहीं होगा, स्वप्रकाश सुख का नाम आत्मा है सुखमस्य आत्मनोरूपम। अब वो जो सुख स्वरूप आत्म तत्व है निर्मल निश्चल मन पर अजस्र बरसता रहे तो अब सुख भोग्य भी हो गया सुखम क्षेत्रम भी हो गया इस प्रकार से। और अंत में बुरा न मानो होली है, श्री वैष्णवाचार्य आत्मा को अनुपरिमाण परिमित मानते हैं। जैन लोग बहुत से ऐसे भी हैं
जो मध्यम परिमाण परमित मानते हैं। हाथी के शरीर में हाथी जैसे, चींटी के शरीर में एक ही जीव को चींटी का शरीर प्राप्त हो जाए तो चींटी जैसे। मध्यम परिमाण परमित वस्तु को तो नश्वर मानना आवश्यक है। अणु परिमाण परमित है, अरुण अनियान महतो महियान, या श्रुति आगे बाधा डालती है। अणुता जैसे आकाश में अणुता और महत्ता दोनों एक कालावच्छेदन है या नहीं। सुख अणुता माने सूक्ष्मता की अवधि भी आकाश है, विहुता की अवधि भी आकाश है। तो मैं श्री गौड़ी संप्रदाय का नाम न लेकर, बुरा न मानो होली है, श्री वल्लभ संप्रदाय का नाम लेता हूँ, निंदा नहीं कर रहा। विद्वन मंडन या कुछ ऐसा ग्रंथ है उनका, हाँ, उसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया गया, पूर्व पक्ष स्वयं लेखक ने उठाया, ग्रंथकार ने, अनोर्णीयान महत्व महीयान। तो उन्होंने कहा, श्री रामानुजाचार्य भी कहते हैं, बद्ध दशा में जो जीव है अणु परिमाण परमित रहता है, मोक्ष दशा में जीव अणु परिमाण परमित तो रहता है लेकिन उसका ज्ञानादि जो गुणगण हैं वो विभू हो जाते हैं। तब वहाँ पर विचार होता है कि जो मणि है, उदाहरण वो लोग देते हैं, मणि तो सीमित है, उसका प्रकाश चतुर्दिक फैलता है। तब उत्तर पक्षी कहते हैं कि तब तो सावयव सिद्ध हो गया आत्म तत्व, आत्मा जो द्रव्य है वो तो रह गया अणु, गुण हो गए विभू। सावयवत्व का लक्षण हुआ, गुण को लेकर आपने सिद्ध किया कि आत्मा अणु रह, आत्म तत्व अणु रहता हुआ भी उसका ज्ञान नामक गुण फैल जाता है मृत्यु दशा में। श्री वल्लभाचार्य महाभाग के संप्रदाय के जिन महान भाव ने ग्रंथ लिखा उन्होंने पूर्व पक्ष फिर प्राप्त कर दिया अपने ऊपर ही। तो क्या रबर है वो कि अणु परिमाण परमित रहेगा बद्ध दशा में, फैलाने पर भी हो जाएगा, और विभुता भी रबर में फैलाने पर तो सीमित होगी ना, आकाश जैसी थोड़ी होगी। तो झुंझलाने के बाद भी स्वयं पूर्व पक्ष किसने वहां ख्यापित किया, स्वयं ने वेदांतियों की ओर से ख्यापित किया, अंत में कहा अब हम उस परिस्थिति में पहुंचा दिए गए हैं जहां हमको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि अणुत्व औपाधिक है। मन के उन्मानत्व को लेकर, अंतःकरण के उन्मानत्व को लेकर यही तो यहाँ प्रश्न है, यही यहाँ प्रश्न है। पहले 18वें श्लोक 19वें श्लोक में तारतम्य क्या है, 18वें श्लोक के आधार पर मणिपूरक अनाहत किसी भी चक्र का आलंबन लेकर जब आत्म तत्व का हम चिंतन करते हैं तो चक्रगत आकृति प्रकृति का उसमें आरोप हो जाता है, वह तत्व तो अनारोपित है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया अंतःकरण के उन्मानत्व से आत्मा में उन्मानत्व है, स्वतः तो विभुता ही है। तो एक कालावच्छेदन, बद्ध दशा मुक्ति दशा नहीं, एक कालावच्छेदन जिस प्रकार आकाश अणुता विभुता दोनों की काष्ठा है, इसी प्रकार से आत्म तत्व। अब अपनी अपनी मान्यता है, महाभारत में बहुत बढ़िया है, बस एक वाक्य बोल के उन्होंने कहा कोई आत्मा को अणु परिमाण परिमित मानते हैं तो असली बात क्या है। न्यायिकों का सिद्धांत है किसी को नित्य सिद्ध करना हो तो या तो विभू मानिए या अणु मानिए, बीच का मानेंगे तो नश्वर सिद्ध होगा। आत्मा को अनश्वर सिद्ध करने के लिए अणु परिमाण परिमित माना, बात ठीक है। महाभारत में का अणु परिमाण परिमित मानकर सही, विभू मान करके सही, ये सब के सब समादर के योग्य हैं, सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन एक कालावच्छेदन बद्ध दशा नहीं, मुक्ति दशा नहीं, एक कालावच्छेदन आकाश के समान अणुत्व माने सूक्ष्मता की अवधि भी आत्म तत्व है और विहुता की अवधि भी आत्म तत्व है, ऐसा माना गया। और श्री वल्लभाचार्य इत्यादि ऐसा मानेंगे कि पहले तो भगवान ही पुरुषोत्तम तत्व ही थे, लीला पूर्वक जीव बन गए, तो अज्ञान फिर क्या होगा, आगंतुक होगा, अज्ञान आगंतुक होगा तो काम बिगड़ जाएगा। भगवान में क्या होगा, विषमता का दोष, निर्घृण माने निर्दयता विषमता का दोष हो गया। इसीलिए अंत में कहते हैं ज्ञान अनादि है, जीव अनादि काल से अज्ञ ही है, लेकिन
अज्ञान अनादि होता हुआ शांत है, शांत दंत सौ अंत, अर्थात स्वरूप का विज्ञान होने पर वह अज्ञान से पिंड छुड़ा सकता है। हमको रज्जु का ज्ञान है, लेकिन एक बार रज्जु का ज्ञान हो गया, अज्ञान अनादि होता हुआ भी शांत है। तो जीव जब से हरिते बिलगायो, स्वरूप स्मृति का अर्थ क्या है, यहाँ स्मृति की लक्षणा करनी पड़ती है, स्वरूप का स्वरूपानुरूप बोध, यही तो, नहीं तो जिसका अनुभव हुआ हो उसके अनुभव का संस्कार बने, फिर कालांतर में उद्बुद्ध हो तब स्मरण होता है। इसका अर्थ होता है पहले तो हमको स्वरूप का ज्ञान था, बीच में अज्ञान हो गया, कालांतर में फिर ज्ञान हो जाएगा, तो कौन ठेका लेगा कि आगे नहीं ज्ञान अज्ञान होगा। इसलिए भगवान ने कहा यद ज्ञातवा न पुनर्मोहम, अज्ञान को अनादि मान करके, अनादि काल से अज्ञान है, लेकिन तत्व ज्ञान होने पर यद ज्ञातवा न पुनर्मोहम हर हर महादेव।